हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, आज अगेन आपके लिए एक बेहतरीन मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आ चुके हैं हमारे आखिरी पड़ाव के ऊपर। क्यों आखिरी पड़ाव? क्योंकि यार आप जानते हो कि मैथ्स पार्ट टू ज्योमेट्री हमने कंप्लीट कर दिया है। नया बैच का मैथ्स पार्ट वन यानी एलजेब्रा का लास्ट चैप्टर चल रहा है स्टैटिस्टिक्स। इसका भी आज तीसरा लेक्चर लाए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे मोड के बारे में। तो हमने इसके पहले के दो लेक्चर में मीन पढ़ा, उसके बाद मीडियन पढ़ लिया, आज मोड पढ़ेंगे। 6.3 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। तो क्या होता है मोड, क्या फॉर्मूला है, कैसे सोल्व किया जाता है मोड को, कैसे निकाला जाता है, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है मोड के ऊपर। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक बस देखते रहना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो सकता है आपका 2 से 3 मार्क्स आज यहीं पे सिक्योर हो जाए। लेकिन उसके भी पहले, एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है जेआर ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है जाके डाउनलोड करो। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर फ्री क्विजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए, फ्री टेस्ट सीरीज आ रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। साथ ही में बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक पेड कोर्स आने वाला है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जरूर से जाके डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉग इन हो जाओ। जैसे ही ऑफिशियल लॉन्च में करूंगा 1-2 दिन के अंदर, वो आपको पता चल जाएगा। जाके एक्सेस करो, जो भी फ्री वीडियोस डाले हुए हैं उसको भी फायदा उठाओ, ठीक है। तो जरूर सपोर्ट करना आपके राहुल भैया को, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली है। कुछ भी प्रॉब्लम है, सजेशन है, पूछना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे स्टोरी लगा के टैग करके मेंशन करके पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, या फिर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो की शुरुआत करेंगे। जैसे हमने बताया कि आपको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोड के बारे में। तो मोड मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको एक बहुत ज़्यादा सीक्वेंस ऑफ नंबर दिए होते हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कि समझ लो आपके पास एक नंबर है 5, 8, 6 है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक नंबर है समझ लो, इस प्रकार के ऐसे नंबर्स दिए हुए, ये नंबर के चेन दिए होते हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड में मीन मीडियन मोड पढ़ा था, तो उसमें कैसा था कि जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, द नंबर विच इज रिपीटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द मोड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3, मतलब 3 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, करेक्ट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा मोड रहेगा वो 3 रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो आज के इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले, वो मोड अलग है। वो मोड जो है वो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, मतलब कोई चीज का क्लास इंटरवल दिया है आपको, ठीक है ना, आपको क्लासेस दिए हैं, उसका क्लास मार्क है, उसका फ्रिक्वेंसीज दिया हुआ है। तो उस कैटेगरी में जब फ्रिक्वेंसीज दिए होते हैं, उस कैटेगरी में आप मोड कैसे निकाल सकते हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जो कि है मोड का फॉर्मूला। तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 होल मल्टीप्लाई बाय एच। तो क्या होता है इसमें, एल जैसे कि आप जानते हो मीडियन का भी फॉर्मूला कुछ इसी तरह था, थोड़ा सा अलग था लेकिन इसी तरह था। एल का मतलब होता है लोअर फ्रिक्वेंसी, F1 का मतलब जो रहेगा फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास का सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो रहेगा। ऑब्वियसली एक क्लास हमको दिया रहेगा, एक टेबल कॉलम हमें दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसमें सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसका रहेगा वो रहेगा मेरा F1, ठीक है। उसके पहले वाला, F1 के पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको F0 से डिनोट किया जाएगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, ठीक है। तो F1 के पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो F0 डिनोट किया जाएगा, और F1 के बाद वाला, दैट इज सक्सीडिंग, क्या लिखा है, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के बाद वाला जो आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा वो आपका F2 रहेगा, करेक्ट है। और H रहेगा आपका क्लास इंटरवल, यानी दोनों लोअर और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट H। तो इन फॉर्मूले के बेस पे, इन कंडीशंस के बेस पे हम लोग जो मोड है उसके एग्जांपल्स को आप लोग के लिए सॉल्व कराएंगे। ये बहुत इजी एग्जांपल्स होते हैं, लगभग 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए भी कभी कभार पूछता है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देख लेना, 2 एग्जांपल लेकर आया हूं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाले। छोटा वीडियो होगा लेकिन एंड तक देखना, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको जो मोड नहीं आता था वो आपको आने लग जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला एग्जांपल जो कि आप देख सकते हो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 का सेकंड एग्जांपल, इसको हम आपके लिए सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बाय सम फैमिली दिया हुआ है, फाइंड द मोड यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द मोड, क्लियरली बोला है कि हम लोग को मोड निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मोड को, सबसे पहला मेथड क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो कि इसमें 2 चीज दिया रहेगा, एक तो आपको दिया रहेगा ये क्लास इंटरवल्स, और दूसरा आपको उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग उसका क्लास इंटरवल लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आप उसका बनाओगे क्लास। तो क्लास बनाओ, क्लास एक्चुअल में क्या है मेरा, दैट इज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है क्लास मेरा, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार से मैं क्या करूंगा, एक कॉलम ऐड कर लूंगा यहां पे, मैंने क्या कर लिया, एक कॉलम बना लिया यहां पे, ठीक है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज नथिंग बट माय क्लास, ये मैंने क्लास बना लिया। अब अगला जो होता है, ये क्लास इंटरवल पहले लिखना है तो लिख सकते हो आप देखो, और पहली बार तो ये भी चेक करना होता है कि ये क्लास कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस नहीं होता है तो हमें कंटिन्यूअस बनाना होता है। कैसे बनाते हैं, जैसे हमने मीडियन में सीखा था, इसके पहले के लेक्चर में सीखा था मीडियन में, कि अगर कोई क्लास कंटिन्यूअस नहीं दिया है तो 0.5 लोअर लिमिट को कम कर दो और 0.5 अपर लिमिट को बढ़ा दो, ठीक है, 0.5 इधर 0.5 उधर
ऊपर नीचे कर देना। यहां पे कंटिन्यूअस ऑलरेडी है, 0 से 20 है, फिर 20 टू 40 है, 40 टू 60 है, देखो कंटिन्यूअस हो रहा है, 60 है 60 से 80, 80 है 80 से 100, 100 है 100 से 120, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो लिख लो क्या है वैल्यू, लिख लो सबसे पहले 0 से 20 है, फिर आपका 20 से 40 है, ठीक है, उसके बाद 40 से 60 है, करेक्ट, उसके बाद 60 से 80 है, ठीक है, नेक्स्ट है यहां पे 80 से 100, 80 से 100, एंड नेक्स्ट है यहां पे 100 से 120, 100 से 120 आपको ये चीज दिया हुआ है, करेक्ट, समझ में आ गया। ये आपको करने के बाद आपको क्या करना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप लोग करके रख लो, क्या है, इसके बीच में लाइन खींच देना ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, मैंने इसके बीच में पार्टीशन कर दिया है ताकि कोई भी मिक्स वगैरह ना हो, नंबर्स आपस में मिक्स ना हो जाए, इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया यहां पे लाइंस जो है वो खींच दी, करेक्ट है, दिख रहा है आपको लोगों को, टेंशन वाली बात यहां तक, चीजें सिंपल है यहां तक, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब चलो, अब नेक्स्ट यहां पे आप देखोगे तो जब भी आप क्लास बना लोगे तो आपको अभी फ्रीक्वेंसी भी तो लिखनी है, तो क्लास बनाने के बाद आपको क्या लिखना है, चुपचाप आपका फ्रीक्वेंसी लिख देना है जो कि होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख दिया, लेकिन एक्चुअली फ्रीक्वेंसी क्या दिया यहां पे, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिली मेरा फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ फैमिली, ये देखो नंबर ऑफ फैमिली लिख दिया मैंने, ठीक है, यहां पे आप चाहिए तो एक पार्टीशन बना लो, इसके अलावा और कुछ करना नहीं यहां पे। अब देखो यहां पे जो दिया है वो लिख दो, यहां पे 13 दिया हुआ है, यहां पे 50 दिया हुआ है, यहां पे 70 दिया हुआ है, यहां पे 100 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, और लास्ट में 17 लिया हुआ है, लिख दिया सबके सामने उसका उसका फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब एक्चुअल में हमको निकालना क्या है, मोड निकालना है, मोड का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, इसके पहले हमने देखा मोड का फॉर्मूला ये रहा, ये आपका मोड का फॉर्मूला है, तो हमें L चाहिए, F1, F0 चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बोला है आप लोगों को कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, F1 निकालना होता है, जो कि होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, हमें बताना होता है कि मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है क्या, तो सबसे पहले हम लोग कैसे चेक करते हैं क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग को देखना होता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस चीज की है, तो आप देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है 100, तो ये 100 जो है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, देख पा रहे हो यहां पर, ये जो 100 है ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और वो किस क्लास का है, इस क्लास का, यानी 60 टू 80 क्लास का है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, हम लोग एक नया स्लाइड लेते हैं यहां पे, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि यहां पे हम लोग लिखेंगे द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हियर, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हियर इज क्या है, वो 100 है, तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर F1 मेरा क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वही मेरा F1 होता है, तो F1 मेरा क्या हो गया 100, और ये जो F1 है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है, ये वाले क्लास से जो कि 60 से 80 का है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो मॉडल क्लास है हमारा, ये मॉडल क्लास, मोड निकाल रहे ना इसके लिए, तो मॉडल क्लास क्या है हमारा, किस चीज का है, देखो 100 किस में आ रहा है, 60 टू 80 वाले में आ रहा है, तो हमारा जो मॉडल क्लास हो गया वो हो गया 60 से लेके 80, ठीक है, ये हमारा मॉडल क्लास है, और एक बार जब मॉडल क्लास मिल जाता है तो हम उसको बाकी के वैल्यू निकाल सकते हैं, तो L मेरा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 60, और क्या चाहिए होता है हमें, F1 तो है हमारे पास जो कि है 100, ठीक है, F1 निकाल लिया आपने, अब मुझे बताओ ये आपका F1 आ गया कौन सा, ये आपका क्या आ गया F1, ठीक है, ये आपका क्या है F1 है, जैसे मैंने बोला था कि F1 जब निकल जाता है आप लोग का, F1 जब निकल जाता है तो हमने एक चीज देखा था F0 और F2, F0 क्या था प्रीसीडिंग और F2 क्या था सक्सीडिंग, मतलब जब मेरा F1 निकल गया तो उसके पहले वाला क्या होता है F0 होता है, और F1 के बाद वाला जो होता है वो होता है F2, तो आपने प्रीसीडिंग निकाल दिया और सक्सीडिंग में निकाल दिया, तो यहां पे आपका F0 का जो वैल्यू है क्या आ गया 70, लिख दो यहां पे F0 का वैल्यू 70, F2 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, देखो यहां पे F2 का वैल्यू कितना आ गया 80, तो वो भी लिख दो 80, और क्या चाहिए होता है H चाहिए होता है, H का मतलब क्या होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, मॉडल क्लास के बीच का डिफरेंस, तो 60 और 80 के बीच का डिफरेंस कितना है 20 का है, तो लिख दो H इज इक्वल टू 20, लिख दिया बाकी सब वैल्यू आपने लिख लिया है। अब आपको फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला ये बोलता है इस चीज का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला, क्या क्या है मोड का फॉर्मूला बताओ, मोड इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट व्हाट, L प्लस ब्रैकेट में, देखो फॉर्मूला नहीं याद है यहां पे, देखो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, लिखो यहां पे कहां गया फॉर्मूला, F1 माइनस F0 अपॉन 2F, क्या है फॉर्मूला 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा H के साथ, यही फॉर्मूला है, हमने लिख दिया फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, इतना समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, देखो ये ना मुझे लगता है मीन और मीडियन से भी ज्यादा सिंपल होता है मोड निकालना, करेक्ट है, ये आप लोग भी जानते होंगे। अब इसमें मैं वैल्यू पुट ऑन करता हूं, देखो वैल्यू कैसे पुट ऑन करूंगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L, L का वैल्यू कितना है हमारे पास 60 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 100 माइनस F0 कितना है 70, ठीक है, लिख दिया अपॉन 2F1, 2 मल्टीप्लाई बाय F1 कितना है हमारे पास 100, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है 2F1 हो गया, बीच में माइनस, ठीक है 2F1 माइनस F0 कितना है दोस्तों 70,
और फिर माइनस एफ टू, एफ टू कितना है दोस्तों 80, तो माइनस 80 और ये पूरा ब्रैकेट लंबा ले लो और होल मल्टीप्लाई बाय एच का वैल्यू कितना है 20, ये हो गया। अब इसको बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, इसको बस सॉल्व करना है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, सॉल्व कर ले फटाफट से। देखो ये 60 प्लस ये 100 में से 70 गया, 30 बचा ऊपर, 30 आ गया ऊपर, 200 ये हो गया 200, 2 मल्टीप्लाई 100 200 माइनस 70 कितना हो जाएगा। अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो ये आपका कितना हो गया 200 माइनस 70 और 80, माइनस 70 माइनस 80 मतलब माइनस 150 होता है, ठीक है ना, तो लिख दो यहाँ पे माइनस 150 लिख दिया और ये मल्टीप्लाई पे 20। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, 60 प्लस ये देखो ये 30 अपॉन 200 में से 150 गया, 50 बचा और ये मल्टीप्लाई बाय 20 तो है ही पहले से, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल, ठीक है, 3 × 6/5 यानी कि ये हो जाएगा 60 + 6/5, तो कितना हो जाएगा बताओ, देखो 60 + 6/5 डिवाइड करके देखो, 6/5 जो है ये डिवाइड करके देखो कितना होता है, करके देखो यहां पे क्या गड़बड़ हो रहा है, चेक कर लो यहां पे कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है 30/50 × 20, ठीक है करके देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहां पे, करके देखो ठीक है 60 प्लस ये 100 माइनस 70 हो गया, ठीक है चलो ये हो गया 200, ठीक है चलो ठीक है 200 हो गया, 200 माइनस 70 माइनस 80, ठीक है 200 माइनस बराबर है 200 माइनस 70 कितना हो गया, 200 माइनस 70 करोगे 130 बचे, 130 में से माइनस करोगे 50 बचेगा, ठीक है ये यहां तक तो हम लोग ठीक है, यहां तक हम लोग ठीक है, ठीक है तो ये हो गया 60 + 30/120 माइनस मतलब 150 हो गया, ये मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया, ठीक है 3/5 करके देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पे, ठीक है कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहां पे, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हम लोग चेक कर लेते हैं, कोई भी परेशानी नहीं हो रही है यहां तक, कोई भी परेशानी यहां तक नहीं हो रही है, ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं क्रॉस चेक कर रहे हैं दोस्तों, क्रॉस चेक कर रहे हैं हम लोग देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है ना, क्रॉस चेक हम लोग कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना थोड़ा सा और क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। देखो ये कैलकुलेशन में कभी भी अगर आप अटकते हो, जैसे मैं अटक रहा हूं यहाँ पे कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो देखो क्या हो रहा है, ये 30 है, 30 मल्टीप्लाई बाय 20 अगर मैं करूं एक स्टेप में यहां पे ना करके देखता हूं, ठीक है ये 60 में अपना खुद का एक सेल्फ करके देख रहा हूं कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया इसमें, तो 60 प्लस यहां पे अगर आप देखोगे तो 60 अपॉन ये हो जाएगा 30, 100 माइनस 70 कितना हो जाता है 30 हो जाता है, 60 अपॉन 100 माइनस 30 हो गया अपॉन, अगर आप देखोगे 200 में से 150 गया, ये 50 बचा और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 20 से, ठीक है ये पूरा का पूरा फॉर्मूले में देखो क्या है, फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एच है ना, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 20 से, ठीक है और ये पूरा प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस तो ये हो जाएगा 5, ठीक है और 5 × 10 = 60 बराबर, अब आ रहा है यहां पे आंसर बराबर, ठीक है तो एक्चुअल में गड़बड़ क्या हो रहा था हमारा यहां पे, ठीक है यहां पे गड़बड़ क्या हो रहा था, देखो हमने एक्चुअल में एक गड़बड़ क्या किया मालूम है, जो हम लोग का बहुत सिली मिस्टेक और आप लोग भी हंसोगे देख के, क्या मिस्टेक हुआ जो मैं देख नहीं पा रहा था मिस्टेक वो ये है दोस्तों, अगर आप देखोगे ध्यान से, एक सेकंड रुक जाओ बस इसको मैं रफ कर लेता हूं, एक सेकंड देखो यहां पे, अब मैंने क्या गड़बड़ की थी जो आप लोगों को भी हंसी आनी चाहिए, ये 3 × 2 और ये 0 भी तो है तो ये 60 हो जाएगा ना, 60/5 तो 60/5 × 5 = 5, 5 × 12 = 60 होता है, तो ये हो जाएगा 60 + 12 एंड दैट विल बी इक्वल टू 72, तो हमारा आंसर आ गया मोड का 72। तो यहां पे छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है लेकिन आप लोग समझदार हो कि हमने ये जीरो नहीं देखा, तो 3 × 2 = 6 होता है लेकिन ये जीरो भी तो है तो 60 होता है, तो बाद में 5 × 2 = 60, 60 + 12 = 72, दिस इज द करेक्ट आंसर, छोटा मोटा मिस्टेक होता है, मैं भी तो इंसान ही हूं यार, हम लोग कितने भी बड़े मैथमेशियन हो जाए मतलब इतना भी प्रैक्टिस करें लेकिन जो सिली मिस्टेक्स होती है वो होती है, हर किसी से हो सकती है, तो आप लोग को अपने एग्जाम में भी वही चेक चौकन्ना रहना है कि यार मेरे से कोई सिली मिस्टेक ना हो, और वो इसीलिए हम लोग को क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करके और उसको अच्छे से आंसर शीट में लिखना होता है ताकि कोई गलती ना हो, और आंसर शीट में जब आंसर सॉल्व करोगे तो बार बार अच्छे से देख लेना, समझ में आ गया क्लियर है। एक आखिरी क्वेश्चन फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके प्रैक्टिस सेट का, ठीक है तो इसको फटाफट से सॉल्व करवाते हैं। चलो देखो अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे क्या बोल रहा है, एक फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, बोल रहा है देखो फाइंड द मोड, क्वेश्चन में ही बोल दिया फाइंड द मोड मतलब मोड निकालना है। अब आपको एक चेक करना है कि ये क्या ये कोई कंटिन्यूअस क्लास वाला है कि नॉर्मल वाला है, तो देखो लेस देन 5 दिया हुआ है, ये 5 से 9 लेस देन 5 मतलब ये 4 तक होगा, फिर ये 5 से 9 है, फिर 10 से 14 है, फिर 15 से 19 है, मतलब हर एक के बीच में एक एक का गैप दिख रहा है, देखो 14 तक है वैसे कंटिन्यूअस वाला होता तो ये 10 से 14 है, फिर यही 14 से 19 होता,
समझ में आ रहा है, लेकिन ये 15 आ गया, 14 के बाद 15 आ गया, मतलब एक का गैप है, मतलब ये आपका कंटिन्यूअस वाला नहीं है। तो सबसे पहले इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो आपका ये बहुत ईजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है दोस्तों? अब देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे क्लास। क्लास क्या है? मेरा एज। क्लास मेरा एज दिया हुआ है जो कि ईयर्स में है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, ठीक है? ये आपका लाइन खींच दिया हमने, इस प्रकार का पार्टीशन मैंने मार दिया यहां पे। अब ध्यान से देखना, पार्टीशन मारने के बाद यहां पे जो चीज दिया हुआ है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है अगर आप देखोगे ध्यान से, क्या बोल रहा है यहां पे? लेस देन फाइव, मतलब पांच से कम होगा, लेस देन फाइव होगा। अगला है मेरा फाइव से लेके नाइन, उसका अगला है मेरा टेन से लेके फोर्टीन, ठीक है? उसका अगला है मेरा फिफ्टीन से लेके नाइनटीन, उसका अगला है मेरा 20 से लेके 24 लिख दिया, और उसका अगला जो आप देखोगे 25 से 29 है, ये भी लिख दो आप, ठीक है? इसके बीच में पार्टीशन अगर आप मारना चाहते हो तो मार दो। इस प्रकार से मैं पार्टीशन मार देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और थोड़ा भी मिक्स वगैरह आपस में नंबर्स ना हो। मैंने पार्टीशन मार दिया, यहाँ पे लाइन खींच दिया। आप लोग भी ऐसा स्केल और पेंसिल की हेल्प से लाइन खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो, यहां तक क्लियर है बच्चे? अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान से। अब जैसे मैंने बोला कि ये तो चलो समझ में आ गया कि मैंने क्लास लिख दिया, तो लेकिन मैंने बोला कि यार ये क्लास कंटिन्यूअस नहीं, तो मुझे कंटिन्यूअस क्लास बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा क्या यहां पे? कंटिन्यूअस क्लास, कंटिन्यूअस क्लास। अब कंटिन्यूअस क्लास कैसे बनेगा? जैसे मैंने बोला कि कंटिन्यूअस क्लास बनाने का सबसे अच्छा और सिंपल तरीका यह होता है कि आप क्या करो, लोअर लिमिट जो होता है उसको 0.5 से कम कर दो और अपर लिमिट को 0.5 से बढ़ा दो। तो ये लेस देन 5 मतलब क्या होगा? पहले रहा होगा ये 0 से 4, ये लेस देन 5 का मतलब पहले रहा होगा ये 0 से 4, तो 0 से कम कर दिया तो यह हो जाएगा मेरा 0.5। थोड़ा मैं इसको ये कर देता हूं, ठीक है? ये लो कलर लेता हूं। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? लेस देन 5 है तो पहले 0 से लेके 5 तक, 4 तक था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, ये 0 तो रहेगा ही, लेकिन 0 से ये क्या रहेगा? 0 नहीं रहेगा, 0 से लेके 5 से कम मतलब 4.5, ठीक है? अब ये 5 था, 5 का भी 0.5 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5 से लेके, ये 9 था तो ये हो जाएगा 9.5, ठीक है? अब ये 10 था, देखो यहां पे 10 से 14 है तो 10 का आधा कम कर दो तो ये हो जाएगा 9.5, और ये 14 का आधा बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 14.5। अब देखो ये सब कंटिन्यूस में आ रहे हैं, 0 से 4.5, 4.5 से 9.5, 9.5 से 14.5, ये 14.5 से लेकिन 19.5 हो गया, ठीक है? बहुत ईजी, 19.5 हो गया, फिर यही 19.5 से लेके अगला क्या है 24 तक है, तो मतलब ये हो जाएगा 24.5 तक, और यही 24.5 से लेके कहां तक हो जाएगा अगला क्या है 29, तो 29.5। अब आप देखोगे ध्यान से तो ये सभी चीज कंटिन्यूअस में आ गए, इसको बोलते हैं हमने कंटिन्यूअस क्लास। तो जो कंटिन्यूअस क्लास नहीं था हमने उसको कंटिन्यूअस क्लास बना दिया। अब एक बार कंटिन्यूअस क्लास बना दिया, अब लास्ट में आपको क्या लिखना होता है? फ्रीक्वेंसी, जो उसका फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है दोस्तों? नंबर ऑफ पेशेंट है, तो लिख दो यहां पर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पेशेंट। बहुत ज्यादा सिंपल, ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी ये सब बहुत ईजी होते हैं, करेक्ट है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? बहुत ईजी है, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी, क्लियर? अब देखो यहां पे हमारा अगला खेल क्या है? फ्रीक्वेंसी लिखना है, जो दिया लिख दो। 38 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है, उसके बाद 36 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, और 20 दिया हुआ है। फिर हम लोग को एक चीज डिसाइड करना होता है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है? 50। ये 50 मेरा क्या है दोस्तों? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, ठीक है? तो मेरा ये क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा, ठीक है? मेरा ये क्या हो जाएगा? 50 मेरा एक्चुअली F1 बन गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उसके पहले वाला क्या हो जाता है? F0, और उसके बाद वाला क्या हो जाता है? F2। ये हो गया, तो आपने F0 निकाल लिया, F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया, कोई परेशानी यहां तक? अब आपको एक स्लाइड लेना है यहां पे, मतलब मैंने ले लिया। अब आपको निकालना एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में निकालना क्या था? मोड। लेकिन मोड के लिए आपको बाकी चीज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को एक चीज पता चल गया कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आया मेरा यहां पे, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो मेरा यहां पे आया वो क्या आया दोस्तों? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आया देखो? 50 आया। तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू 50 आ गया। अब ये 50 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आया वो किस मॉडल क्लास से बिलोंग करता है? तो ये F1 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है इस मॉडल क्लास से बिलोंग करता है, जो कि ये है। अब आपको ये वैल्यू नहीं लेना गलती से, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूअस क्लास है, अब इसका भूल जाओ। ये है आपके लिए इंटरवल क्लास। तो 9.5 से लेके 14.5 आपका मॉडल क्लास हो गया। तो देयरफॉर द मॉडल क्लास is equal to 9.5 से लेके 14.5। तो ये आपका क्या है? मॉडल क्लास है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो लोअर लिमिट आ गया वो आ गया 9.5 का वैल्यू, ठीक है? दोनों के बीच का डिफरेंस h जिसको बोलते हैं वो क्या आ गया? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है, h is equal to 5 हो गया। और क्या चाहिए होता है हमें? F1। तो F1 तो हमें पता ही है, जो कि है 50। उसके पहले हमारा F0 होता है, ठीक है? तो F0 भी हमको पता ही है, F0 कितना है? 32।
F0 कितना है 32, उसके बाद आपका F2 होता है, F2 भी हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, F2 कितना है 36, तो वो भी लिख लो, F2 is equal to 36, और क्या चाहिए होता है, सब चीज आ गया हमारे पास। अब सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करना है दोस्तों, हमको निकालना है हमारा मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, मोड का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यही फॉर्मूला है। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग कभी कभी, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, बिल्कुल सही लिखा है मैंने, और होल मल्टीप्लाई बाय H, ये पूरा जो है मल्टीप्लाई होगा H के साथ। फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट होना चाहिए आपको, लिख दिया। अब चलो वैल्यू डालते हैं, L का वैल्यू कितना दिया है 9.5, लिख दिया 9.5 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, F1 मेरा 50 है, F0 मेरा 32 है, माइनस सॉरी डिवाइड बाय 2F1, F1 मेरा 50 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस F0 कितना है मेरा, F0 32 है, माइनस F2 कितना है मेरा 36 है, ठीक है, डाल दिया, ये पूरे के साथ H मल्टीप्लाई हो जाएगा और H का वैल्यू 5 है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9.5 प्लस 50 माइनस 32 18 अपॉन 250 जा 100 माइनस 32 माइनस 36 कितना होता है माइनस 68, ठीक है माइनस 68 हो गया, होल मल्टीप्लाई बाय 5, सॉल्व कर लो आगे 9.5 प्लस 18, 100 में से 68 क्या कितना बचेगा 32, करेक्ट है 32 बचा, और ये पूरा मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब देखो किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में 9 जा 2 9 जा 2 16 जा बराबर 95 जा 45 अपॉन 16, मतलब 9.5 प्लस 45 अपॉन 16, तो 9.5 को 45 अपॉन 16 से प्लस कर दो तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो 45 अपॉन 16 अगर मैं करूं चाहिए तो मैं यहां पे डिवाइड करके देखता हूं, आप लोग अपने नोटबुक में डिवाइड करना, मैं यहां पे कैलकुलेटर में डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो देखो क्या है, 45 को मुझे डिवाइड करना है 16 के साथ, तो जो कि लगभग 2.8 आ गया, तो मतलब 9.5 प्लस 2.8, तो इन दोनों को प्लस कर लो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आ जाएगा दोस्तों लगभग, अब देखोगे तो 2.8 मतलब 3 हो गया, 3.2 मतलब ये हो जाएगा लगभग आपका 12.3, तो 12.31 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल मोड, जो हमने पूछा था, जो आपको पूछा था ये आपने निकाल दिया, तो मोड इज इक्वल टू 12.31, ये कितना आसानी से हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। थोड़ा प्रेजेंटेशन में ऐसे ही करता हूं, मेरा कुछ खास प्रेजेंटेशन में करता नहीं जानबूझ के, लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, आप लोग के लिए मैटर करेगा आपके एग्जाम में, मेरे लिए यहां पे मैटर नहीं करेगा, मेरा यहां पे काम है आपको सिखाना जो मैंने सिखा दिया। तो दो एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन तरीके से हमने करा लिया है, और उम्मीद करता हूं मोड जो है ये आपको पूरा दिमाग में फिट हो गया होगा कि कंटिन्यूअस क्लास आया तो कैसे करना है, और बिना कंटिन्यूअस क्लास आया तो उसको कंटिन्यूअस बना के कैसे करना है सॉल्व। क्लियर, समझ में आ गया बच्चे लोग? चलो फिर आज के लिए इतना ही, इसी के साथ मोड भी हमारा कंप्लीट होता है, तो ये तीन लेक्चर में हमने मीन मीडियन मोड तीनों कंप्लीट कर दिया, अब बचा कुचा जो हिस्टोग्राम है पाई चार्ट है जो कि बहुत रेयरली पूछता है एग्जाम में, उसको भी हम लोग एक दो लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे, और ये पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये पूरा एंटायर सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना, वीडियो पसंद आया है अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।